आज सत्र का पांचवा दिन इनके अहंकार का भेंट चढ़ गया। छपरा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत ही, सदन के अंदर संवेदना तक प्रकट नहीं कर रहे हैं। क्या इनका अपना खेत बेचकर पैसा देना पड़ेगा? आप उसको सजा दो, जेल भेजो, फांसी पर चढ़ा दो, हमारा वो चरित्र नहीं है। आज सत्र का पांचवा दिन इनके अहंकार का भेंट चढ़ गया। छपरा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत ही और कितनी संख्या में अभी पीड़ित हैं, अलग अलग जगह पर छुप करके इलाज करा रहे हैं, इसका न्यायिक जांच कराने से ये भाग रहे हैं। सदन के अंदर संवेदना तक प्रकट नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि शोक संवेदना प्रकट करिए, क्योंकि वो दलित शोषित कमजोर तबका के लोग, बिहार के लोग हैं, लेकिन उनके प्रति इनकी हमदर्दी नहीं है। सत्ता लोलुपता में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री के अहंकार में सम्मिलित हो गए हैं और किस तरह से मुआवजा से भाग रहे हैं, जबकि यही सरकार 2016 में गोपालगंज के अंदर धारा 42 में 4-4 लाख रुपया दिया गया, जब उस समय उत्पात अधिनियम के तहत दिया गया, तो अब मौन क्यों है? क्या इनका अपना खेत बेचकर पैसा देना पड़ेगा? बिहार की जनता का प्रतिपक्ष मांग कर रही है, सत्ताधारी दल के लोग भी मांग रहे हैं, उनके सहयोगी दल, फिर मुख्यमंत्री अपने अहंकार में, आप इतना मदमस्त हैं सत्ता में कि लोगों की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, और आप विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए सदन के अंदर जिन लोगों ने झूठा आरोप लगाया हमारे संबंधी का, हमने उस दिन भी कहा कि मेरा परिवार, सगा संबंधी, मेरे दल के लोग, अगर जो कोई गलत करता है, आप उसको सजा दो, जेल भेजो, फांसी पर चढ़ा दो, हमारा वो चरित्र नहीं है कि एक सजायाफ्ता माननीय न्यायालय के सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। आप बचाते हैं अपराधियों को। आज हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार के मामले में, पीरपैती में आज जिस तरह से घटना घटित हुआ है, और भागलपुर में नीलम यादव की जिस तरह से 16 बार प्राइवेट पार्ट तक काटा गया, आप उसको भी न्याय नहीं दे पा रहे हैं। सदन में चर्चा नहीं कराना चाहते हैं, विमर्श नहीं करना चाहते हैं। हम लोगों ने और सभी लोगों पर आज जिस तरह से हर मामले में सरकार फेल है, और इतनी बड़ी घटना जिसको पूरा देश निंदा कर रहा है, सदन में विमर्श होनी चाहिए, लेकिन आप भाग रहे हैं। आपकी नीयत में खोट है और आप अपराधियों को बचाना चाहते हैं, शराब माफियाओं को संरक्षित कर रहे हैं। जब तक आप इन लोगों को न्याय नहीं दीजिएगा, मुआवजा नहीं दीजिएगा, और सदन में विधायिका को जो आपने अपमानित किया है, क्षमा नहीं मांगिएगा, तब तक आप इस पद के अधिकारी नहीं हैं। और आप तो ऐसे भी, आप पलटू राम, कुर्सी कुमार, आपकी विश्वसनीयता इकबाल खत्म हो गया। नेता तेजस्वी यादव जी, आप कुर्सी के लिए जिस तरह से लांगट हो चुके हैं, जिस तरह से आप कुर्सी के लिए सारे सिद्धांतों को छोड़ करके भ्रष्टाचार का गलबहियां कर रहे हैं, ऐसे लोग को अब कुर्सी छोड़ना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, और इनके इस्तीफा को अब सदन से सड़क तक लड़ेंगे।